नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। साइबर अपराधी ने आवाम लोगों को ठगने के साथ साथ आला अधिकारियों के ऊपर भी हाथ मारना शुरू कर दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर महिला आईएएस अधिकारी आरिका अखौरी के फैन नाम से फर्जी ट्विटर हैंडल बनाकर हिंदूवादियों और पत्रकारों को गाली देने वाले आरोपी पर FIR दर्ज की गई है। ये FIR नोएडा पुलिस ने एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार की तहरीर पर 24 सितंबर 2022 को दर्ज की है। महिला पत्रकार ने अपनी शिकायत में किसी DK खान को आरोपी बताया है। वहीं ट्विटर हैंडल को फर्जी बताते हुए गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने गाजीपुर पुलिस को भी जाँच के आदेश दिए हैं। वही पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद @fanofarikaakhori ट्विटर हैंडल बंद हो गया। महिला पत्रकार के नोएडा के सेक्टर 24 थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक 16 सितंबर 2022 को DK खान ने @fanofarikaakhori नाम के हैंडल से एक अश्लील फोटो के बगल उनकी तस्वीर डालकर सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने ये भी बताया कि इसी हैंडल से लगातार न सिर्फ उन पर बल्कि कई साधु और संतों पर भी अभद्र टिप्पणियां की गई। अपनी शिकायत में महिला पत्रकार ने @fanofarikaakhori हैंडल ऑपरेट करने वाले व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि महिला पत्रकार की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने IPC की धारा 500 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत DK खान पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा फेक ट्विटर हैंडल @DMArikaAkhori और @FanofArikaAkhori के नाम से संचालित किया जा रहा है। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन के द्वारा इस नाम की कोई भी ID संचालित नहीं की जा रही है। आज 23 सितंबर 2022 को जनसुनवाई के दौरान मेरे संज्ञान में लाया गया कि एक फेक ट्विटर आईडी और फेक ट्विटर हैंडल जो कि पूर्व में @DM आरिका अखौरी के नाम से और वर्तमान में फैन ऑफ आरिका अखौरी के नाम से संचालित किया जा रहा है, इस ट्विटर हैंडल से भ्रामक सूचनाएं ट्वीट की जा रही हैं। इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल DM गाजीपुर का एडमिन गाजीपुर का है और इसके अलावा अन्य कोई भी ट्विटर हैंडल संचालित नहीं है। जिसके द्वारा भी ये फेक आईडी बनाया गया है उसकी जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही है और उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजकल साइबर क्राइम के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। अगर आपको किसी पर शक होता है तो तुरंत साइबर डिपार्टमेंट में इसकी कंप्लेंट कराएं और हमेशा सावधान रहें। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VK न्यूज़। VK न्यूज़ राष्ट्र के नाम।